Assalamu alaikum, my name is Rabia. Hi, I'm Maria. Welcome to Malaysian Girl Reaction Channel. So today we are going to react on the Traveling with MI Part 1, Karachi to Pasu Muru Vlog. Let's start it. मैं और इसान हम अभी एयरपोर्ट के रास्ते में और कराची से इस्लामाबाद जाने का काफ़ी लंबा एडवेंचर आगे प्लान्ड है। दिल नहीं चाह रहा कराची से जाने को, क्योंकि आज जब हम कराची से निकल रहे हैं, गर्मी थी तो यहाँ पे कराची का बड़ा मौसम भाई मान हुआ। इस बार इसान का अपना व्लॉगिंग कैमरा होगा तो हाई क्वालिटी आपको गाड़ी कुछ दिन पहले मैंने इस्लामाबाद भिजवा दी थी अपने दोस्त अमार के पास। हम शुमाली पाकिस्तान का लगाने जा रहे हैं चक्कर। एक तरफ अमार की म्यूजिक वीडियो बन जाएगी और दूसरी तरफ ये व्लॉग। एक आखिरी काम है इस्लामाबाद में लॉन्ग ड्राइव से पहले, मी स्टोर की विजिट। ओह, मी मिक्स टू भी पड़ा है यहाँ पे। मी से खिलौने लेके बैग में डाले। ओह हाँ, मेरे बैग में इस वक्त है क्या क्या? मुलायजा तो नहीं है, कार का USB चार्जर, Osmo Mobile, Sony की 100-400G Master Lens with 1.8x teleconverter, और vlogging के लिए एक wide lens। मैं अपने साथ अपने GoPro की kit लेके जाने ही वाला था, लेकिन Xiaomi ने मुझे एक 4K action cam दिया, तो इस बार action cam की सारी footage इस कैमरे से लेंगे। Drone में मेरा single crash survivor Mavic Pro, editing और backup के लिए MacBook Pro, camera batteries, storage के लिए SD cards, मी की spare camera kit। I've heard good things about this. जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे बिजली नहीं होती, तो सोलर पैनल्स चार्जिंग के लिए जरूरी है। I'm a Mi fan. एक Amazfit पेस हाइक्स को ट्रैक करने के लिए, मतलब कि पेज का स्केट हो तो इतनी सेक्सी। 20,000 mAh का पावर बैंक विद USB-C चार्जिंग, यानी कि मेरी MacBook Pro भी इससे चार्ज हो जाएगी। और ये फोन जिसका मैं पता नहीं कब से इंतजार कर रहा हूँ। आगे जो जर्नी आ रही है उसके लिए मोटो बहुत अप्रोप्रिएट है। फुल बेजललेस स्क्रीन, यानी कि नो नॉच। अगर आप नहीं जानते तो Xiaomi के पहले Mi Mix ने बेजललेस का ये ट्रेंड शुरू किया था। पाकिस्तान में Mi के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर स्मार्टलिंक टेक्नोलॉजीज हैं। थैंक यू Mi। तो यार सुबह के 4 बजे हैं, हम सारे उठ के हैं और हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत एक्साइटेड है। अपनी कुत्ती को भी साथ लेके जा रहे हैं नवीद। मुझे लगता नहीं है जो सर्दी लगने वाली वहाँ पे, क्योंकि तेरा इतना बड़ा जो स्वेटर लगा लगाया ना, कुदरती तेरा स्वेटर जो है ना। And right when it stops dripping, pull it out and then put this inside. So Naveed is Amar's roommate and he's taken the better coffee maker and is leaving the shitty one. I'm going for a year in the mountains. At least I can get good coffee, right? उन्हें एक साल decide किया है कि वो बिल्कुल ही wilderness में जाके रहेंगे। भाई हमारा तो सिर्फ 10 दिन का ही plan है। एहसान ready? Ready. जब बाबूसर टॉप वाला रास्ता बंद हो तो आपको कराकोरम हाईवे का लंबा रास्ता लेना पड़ता है, 18 घंटे लग जाते हैं। तो इसने टोल कार्ड भी नहीं लिया, ठीक है। अब हम मोटरवे पे जा रहे हैं, अब जहाँ पे उतरेंगे वहाँ पे जुर्माना भरना होगा, एहसान अपनी जेब से भरेगा। बस गोरी करा के चला गया उस बंदे। भाई मैं नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? वीआईपी। अभी इतनी सी गाड़ी है, अभी बड़ी और गाड़ी लेंगे तो फिर तू क्या करेगा? मैं हवा में उड़ाऊंगा। हवा में उड़ा। जब तक हवा में उड़ने वाली गाड़ी आजाद नहीं हो जाती तो जमीन पे चलने के टोल तो हम देते ही रहेंगे। रात सहे पूछो बेशाम हिल्टन होटल, यहाँ कभी शाम नहीं आती। अमार फरूकी की बारी है गाड़ी ड्राइव करने की और मैं पीछे बैठूंगा। एयर सर्कुलेशन जरा थोड़ी काम नहीं कर रही। कोई ऐसा सिस्टम है जिससे एयर सर्कुलेशन बेहतर हो जाए? सिस्टम सर्कुलेशन भी करता है, लेकिन ऐसी फिल्ट्रेशन करते हैं कि गोरियां भी भाई की छोड़ी हुई ना पकड़ पाए। तो दोस्तों 12 घंटे हो गए हैं मैं सफर करते हुए, 6 घंटे एहसान ने गाड़ी चलाई और अब तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं अमार को गाड़ी चलाए पे। मेरी बारी आने वाली है, तब ये सारे औजार उतार दिए जाएंगे। अभी असल में झटके इतने आ रहे हैं कि मेरा सारे इधर उधर लुढ़क रहा है और लग रहा है, तो ये कुशनिंग हो जाती है ना, इसको कहते हैं बेहोश आदमी। यार अपनी घड़ी तो दिखा।
इस तरह की सड़कों पर चलाने के लिए 4x4 रखना जरूरी है भाई। तो लैंडस्लाइड हुई भी है दासू में? लैंडस्लाइड नहीं हुई है, दे कंस्ट्रक्टिंग। ओके सही बोल रहा है चाचा नवीद, दे आर कंस्ट्रक्टिंग। चाइनीज ठेकेदार नजर आया, टेढ़ी चढ़ाई देख रहा था हमें, उम्मीद है मुल्क के हालात सही कर जाए। टोटल में 3 रोड ब्लॉक्स थे जिससे 18 घंटे का सफर 22 घंटे का हो गया। हम इस वक्त गर्मी से ठंड की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे पत्थरों की बरसात हमारी गाड़ी पे भी हुई है जाते जाते। जब भी कोई नाका आता है ना तो एनी को थोड़ा सा ऐसे नाटक करना पड़ता है जैसे कोई यहाँ की रहने वाली है। हाय, हाय। पाकिस्तानी लग रही है। ये है हमारी दोस्त एनास्तासिया शोरविश। How was that again? Anastasia Scheurich. Ah, I don't think I'll ever be able to say that. Anastasia Scheurich. जलास पार करना बहुत जरूरी है सूरज ग्रूब होने से पहले क्योंकि वो खतरनाक इलाका है। ज़्यादा रुकने का वक्त नहीं मिल रहा। डीजल के लिए रुके। अगले दिन यूखानो आ गया और हम निकल गए। यहाँ की रोडें चेक की, ये देखो। मी के एक्शन कैमरा का रिजल्ट तो आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम खंजराब जा रहे हैं, तो अभी ये चेक पोस्ट आ गई है और एंट्री पॉइंट है, और अभी मैंने मारखोर देखे हैं जो मुझे नहीं पता क्या है लेकिन बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा है। एंट्री कर बकरियाँ होती हैं, बकरियाँ होती हैं, बकरियाँ होती हैं, हाँ, लेकिन बहुत मज़ेदार, खानी है, खाने की। आज खानो 1 बजे पहुँचा है, इसकी लगेज नहीं पहुँची, तो भाई साहब चढ़ियों में चल रहे हैं और कह रहे थे कि चलो चलो कोई मसला नहीं है, मैं तो पठान हूँ, मुझे तो ठंड नहीं लगती, लेकिन खुंजराब पास पेट गेट्स अबाउट -4°C। मैंने इसको अपनी पैंट्स दे दी। तो ना सिर्फ हम व्लॉग्स के मामले में कलैबोरेट कर रहे हैं, हम कपड़ों के मामले में भी कलैबोरेट कर चुके हैं। ये कपड़े दिए मुझे मुरू पाजी ने। टर्न्स आउट यूखानो डजंट लाइक ट्रैवलिंग। Yeah, but I don't like traveling. A, I have motion sickness. B, I get cranky. C, I get moody. सारी वो चीज़ें जो लड़कियों को PMS पहले से। भाई कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं जी खुजराब पास। This is the traveler. आधा घंटा है हमारे पास और आधे घंटे में हमने 50 किलोमीटर कवर करने हैं और रास्ता आप देख सकते हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, ठंड की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नम हो गया, हाथ नम हो गया, टिप मेरी गॉन है, मेरी ये एयरलॉक भी गॉन है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है क्योंकि एक खूबसूरत तरीन नजारा है जो हम आपको अभी दिखाएंगे। यस, रोल रोल। ठंड इतनी थी कि जितनी तेजी से हम आए थे ना उतनी ही जल्दी से हम वापस भाग गए। धूप काफी तेज है तो सनब्लॉक लगाना बहुत जरूरी है। यूखानो देख रहे हैं आप, सनब्लॉक लगा रहे हैं, जरूरी चीज है, और ऊपर से अगर वाइट स्किन हो ना जरा ज्यादा तो नाक सबसे पहले ये देखो टांगों पर भी। This I've been told is the local chocolate. जब आप खाते तो झटका लगता है। दिनों ख़वातीन ठीक हो? मैं मुरू के साथ यहाँ पे हंजा आया हूँ, बहुत मज़ा आया यहाँ पे जी, ट्रिप किया हमने, ट्रिप किया। ओके आई गेस अनदर टेक। कताब सब पुख्तों दर जीनों पर पुख्तों के सब्सक्राइब किए, अगर आपको उर्दू आती है तो उर्दू में सब्सक्राइब करें, इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश डू इन इंग्लिश, एंड इफ यू नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच German. Unbedingt immer Khan auf seinem YouTube Channel. इतनी बड़ी सिफारिश लेके आए यार, अब तो आ जाओ। क्या मैं आपको लोगों को बताऊं, जन्नत है। Just put it all in your bag, man. Yeah, yeah. Just shove it in there. तो दोस्तों ये है नवीद,
Naveed, quick introduction. Hey guys, I'm Naveed Khan. I run Hunza on Foot Tours, and we're going to be going to Khurramabad today to shoot Ammar's music video called Caveman. Annie, are you excited? I'm totally excited. 3 hours of trek. Let's see how long we can remain excited about it. So this is nothing for me. Excited bhi hoon aur maza bhi aa raha hai. Aaj hum ek light trek kar rahe hain taki thodi si taange khul jaye. Oye, Ammar kahan hai? Ammar Farooqi piche reh gaye to usko lene aao. Ammar? Why are you taking so long? Because I was packing. Ammar apni music video ka wardrobe bhi utha ke aa raha hai saath saath. So we are walking to a shepherd hut in the wilderness. Is it in the wilderness? I think so. I think it is in the wilderness. Naveed is reluctant in telling you where we're going. Magar hum ja rahe hain Khurramabad, jahan pe na banda hai na bande ki zaat hai. Naveed, hame bataye ya na bataye, humne apni Amazfit pace se track ko track karke Google Earth pe map kar diya. Ambassador Hotel se Karakoram Highway ke saath walk karte karte dukaan tak gaye. चाय पी, थोड़ा सौदा सामान लिया और हाईवे से उतर के अपना रुख कुदरत की तरफ मोड़ा। नीचे से पानी ऊपर आता है और फिर वापस नीचे चला जाता है। दरियाए पस्सू के किनारे चलते चलते उसको पार करने वाले पुल को पहुंचे। इस तरह का पुल पार करना ज्यादातर लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं, मगर मेरी तो भाई हाथ में ही आ जाती है। पहली बार गुजरने के लिए आयतन कुर्सी पड़ी। ये पीछे जो हमारे गुजरा है इसको कहते हैं पस्सू रिवर। ये आगे जाके हुंजा रिवर बन जाता है और उसके बाद दरियाए इंडस में बहता है। इसको हमने 3 छोटे छोटे पुलों के जरिए पार किया। यानी कि 5 किलोमीटर। आखिरी एक मील में तो एक नया ही चैलेंज आ गया। सनब्लॉक लगाया था सर? ना। लगा ले। ये धूप ऐसी है कि जला देगी। हाँ। चलो आगे जाके लगाते। हाँ। हाँ। इन लाबाद जगहों पे जानवरों का राज चलता है और हम बस्तियों में बिगड़े लोगों के लिए ये हालात थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? थकाव महसूस कर रहा हूँ। अभी आगे जाके ना कांटो वाला जंगल आ रहा है, तो जब हम उसके बीच में से गुजरेंगे ना तो आप अपने हाथ अंदर की तरफ करके जाओगे। You know about that? I know about that. How are we gonna go through that shit? Look at this shit. Look at this. Naveed, what are you doing there? I'm waiting for you guys. Naveed's given up. This is where the party's at, guys. Man, we've called for backup. We're gonna die. We're gonna die. And the funny thing is, our savior's name is Saddam. कहाँ से जाना है? Saddam? गलत हो गया ना? What the? ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे कितने कांटे हैं। बहुत बुरे कांटे। मैं इस वक्त अपना मीमेक्स निकालना नहीं चाहता था क्योंकि ब्रांड न्यू है और मुझे स्क्रैचेस नहीं चाहिए। Hassan is all the way over there. वो लोग फंस गए हैं कांटों में और मैं तो देहात का रहने वाला हूँ तो मुझे कांटों से क्या फर्क पड़ता है। You know what I? I know what I. I am the best. चलो घर तो कम से कम नजर आना शुरू हो गया। कांटों के पार है एक जगह जहाँ सामान का भार उतार कर संभाला जा सकता है, यानी कि घर।
کبھی میں شاعر کبھی گہری باتوں میں ماہر کبھی میں شعلہ کبھی میں خاک میں سویا ہوا چلی گئی کبھی تو موسم اور کبھی تو سورج کی شعاعوں کی بادل سے مستی Yeah, so beautiful. It's my ocean. So beautiful. Like a sketch, someone sketched the tree. Like in the painting. Yeah. But it is real. Yeah. Yeah, it is so beautiful. And do you ever wonder how they make a route at the mountain, the long route? Not sure how they did that, but it is amazing. Yeah. Mm. And yeah, we did Hunza video before this, right? Yeah. Previously. Yeah. Hunza is really a special place, I can say that, because it's very beautiful. Yeah. So, okay, this time there is no food. Yeah, I recognize it. Okay, there is no food, but amazing view. Scenery. Yeah. And then, yeah, thank you for this. The vlogger was so funny. Yes. What is his name? Ahsan. The funny guy. I'm the best. Yeah. Okay. So, okay. Let's read a few comments. Yes. Okay. Oh yes. Before we read a comment, for your information, we have turned on this caption button, so we do understand what they're talking about, right? Okay. So, and we're going to read comments from the original vlog. Yeah. From the original vlog link has we mentioned at the description below. Taimu Salahuddin, aka Muru, and you guys can check it out. So let's read a few comments from the original video. Yes. So which one that we're going to select here? Okay, mostly in Urdu. Do you want to try? So long. Okay. I'm okay, afraid. This one, I think. Okay, from Raja Chan. Champret si bahu umda konten dus pier punjab barat si I don't know what umda meaning. Yeah. But bahot is really okay so konten is konten dus is friend so what is umda it's like puzzle here anyone can help us write in the comment section below what is umda mean yeah what is the comment what he said yeah, bahot yeah. Umda konten dos pyar punjab barat se pyar punjab means like I think pyar love okay it's kind of puzzle okay you guys can help us write it down in the comment section below okay there is another one comment from MEB Facho I'm from Skardu oh okay Urdu again main be search raha hu apna channel open karu aur gb ke picnic spots ke vlog banao
Taimur and Akano, good job, cheers. We're reading it without the intonation. Because we don't I'm know sorry what guys, we're still learning. Yeah. And yes, there is a lot of words we haven't discovered yet. thank you very much to the original video, this channel, and also to those who recommend this video. Thank you very much for your support and love, and please help us to share this video with your family members and friends. We also have a Facebook page, Malaysian Girl Reaction. You guys can follow us if you would like to suggest for our next video reaction. You want to drop us email, so you guys can check the email address at the description below as well. Yeah. All right? Okay. Don't forget to subscribe, share with your family members, friend, and relative, and like. And also leave a comment below. Mm-hmm. Please turn on your notification button so that you will get notified for our next video. Right? Thank you very much. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.